नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अक्षता विकल। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी पिछले साल 25 सितंबर की इस घटना को अभी तक नहीं भूले, जब राजस्थान में पार्टी विधायकों की एक गुट की बगावत के कारण पार्टी के प्रवर्तकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक किए बिना राष्ट्रीय राजधानी लौटना पड़ा था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान गांधी परिवार के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद। वहीं जैसे ही शांति धारीवाल का नाम चर्चा में आया, सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए पूछा, उनका नाम सूची में कैसे है। सूत्र ने कहा कि जैसे कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को ये बताना चाहा कि शांति धारीवाल साफ छवि वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वहीं राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की बात टाल दी। साथ ही ये कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान चरण के दौरान शांति धारीवाल के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। वहीं दावा किया कि इसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई से भी पूछा कि क्या उन्हें शांति धारीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कोई नाम नहीं मिला। वहीं गौरव गोगोई ने जवाब दिया, आप ठीक कह रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि शांति धारीवाल के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की कड़ी आपत्ति के बाद कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। बता दें कि पिछले साल 25 सितंबर को शांति धारीवाल ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं सोनिया गांधी, जो उस समय पार्टी की अंतरिम प्रमुख थी, उन्होंने खड़गे और अजय माकन को प्रवर्तकों के रूप में राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित करने के लिए भेजा था। इन खबरों के बीच गहलोत को उनके पद से हटाकर पार्टी प्रमुख बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी विधायकों की बैठक नहीं होने के बाद प्रवर्तक दिल्ली लौट गए। बैठक से पहले अशोक गहलोत की करीबी माने जाने वाले विधायक ने शांति धारीवाल के नेतृत्व में मुलाकात की, जिसे अशोक गहलोत के वफादार को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनने के लिए आलाकमान को एक संदेश के रूप में देखा गया। वहीं शांति धारीवाल के आवास पर समांतर बैठक से खड़गे और माकन को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और वरिष्ठ नेतृत्व के लिए चुनौती खड़ी हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने विधायकों की समांतर बैठक आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राज्य के तीन कांग्रेस नेताओं धारीवाल, विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी और राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी ने राठौड़ और जोशी का नाम भी हटा दिया। हालांकि धारीवाल का नाम बुधवार को सीईसी के पास पहुंचा, जब इसे गांधी परिवार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, तो वहीं कम से कम 50 से 55 मौजूद विधायकों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया। वहीं 200 सदस्य राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान 25 नवंबर को होना है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस राजस्थान में लगातार दूसरे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए हैं और उसने रेगिस्तानी राज्य में कई जन समर्थकों की योजनाएं शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।